और मैं वॉइस ऑफ माउंटेन से दरबान सिंह रावत, तो मैं ये जानना चाहता था कि आपको कैसा लगा कि वॉइस ऑफ माउंटेन वाले आपको लाइव कवरेज करते रहे हैं और देवभूमि स्पोर्ट्स महाकुंभ में आने से आपको क्या लग रहा है कि हम कैसा काम कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो माइक ले लीजिए भाई। सबसे पहले तो देवभूमि स्पोर्ट्स महाकुंभ फाउंडेशन का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे निमंत्रण दिया। और 8 तारीख को जो आपका ओपनिंग थी उसमें निमंत्रण था, पर उस समय दिल्ली ना होने के कारण आपके कार्यक्रम में नहीं आ पाए, आपकी ओपनिंग में नहीं आ पाए। आप लोगों का ये जो चौथा महापौर टूर्नामेंट है और इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 22 टीमें हमारी इसमें जो है मेज की है और 4 क्रिकेट की 32 टीमें मेज की है और 4 फीमेल की है। मैं उन सभी टीमों को जो है अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और इस महापार्टी को जो सफल बना रहे हैं आयोजकों का भी मैं जो है आभार के साथ साथ प्रायोजकों का और जो सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी को जो है पहले दिन से जो है उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कैसा लग रहा है कि हम इस टूर्नामेंट को करवाने में सक्सेस हैं, या आपका हमारे साथ क्या आशीर्वाद रहेगा, मैं थोड़ा जानना चाहता था। नहीं, सक्सेस तो सफलता हम यहीं से नहीं देख रहे, सफलता तो हम पीछे जो है 3 मैचों से देखते आ रहे हैं और उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, तो ये अपने आप में सफलता है। और इसमें जो इस बार आपने जो फर्स्ट प्राइज रखा है 1,11,000 का जो आपने जनता टीम के लिए रखा है, 71,000 जो है आप लोगों ने जो है दूसरे टीम के लिए रखा है, ये अपने आप में एक सराहनीय सफलता की निशानी है। धन्यवाद। मैं भाई साहब थोड़ा निवेदन करना चाहूँगा आपसे। महेश प्रकाश जी हमारे साथ लाइव हैं देवभूमि स्पोर्ट्स महाकुंभ फाउंडेशन के फेसबुक पेज में, और मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि महेश प्रकाश जी उत्तराखंडी फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, पानिया फिल्म बैनर से आपका। और मैं श्री मनोहर सिंह रसवाल जी से निवेदन करूँगा कि उन्हें जो है 26 नवम्बर के लिए विशिष्ट अतिथि का निमंत्रण पत्र सौंपें, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिल्म आप अपनी फिल्म के बारे में बताइए सर, आपने इस बार उत्तराखंड की कौन सी फिल्म बनाई है और कितने तारीख को आपकी ये फिल्म रिलीज होगी? सबसे पहले तो जो आप मेरे को निमंत्रण दे रहे हैं 26 तारीख का, मैं उसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आपको जानकर यह खुशी होगी कि इस दिसंबर तक हम एक वेलकम टू उत्तराखंड एक हिंदी फीचर फिल्म लेके आ रहे हैं, और उसमें जो है पूरा उत्तराखंड की जो खूबसूरती और पर्यटन को दिखाया जा रहा है, और उसमें बहुत सारी जो है जनरल नॉलेज की चीज़ें और उसके अंदर हमने डाली है, ताकि जो है हमारे आने वाली पीढ़ी को और जो जिनको जो है उत्तराखंड के बारे में काफ़ी चीज़ों की नॉलेज हुई है। और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों का तहे दिल से जो है आभार व्यक्त करता हूँ देवभूमि स्पोर्ट्स महाकुंभ जी का कि उन्होंने जो है अपने इतने बड़े जो है महाकुंभ के साथ साथ हमारी फिल्म को भी जो है प्रमोशन के लिए जगह दी। मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपके फिल्म बैनर्स के साथ जब फिल्म रिलीज होगी तो देवभूमि स्पोर्ट्स महाकुंभ फाउंडेशन का आपको पूरा समर्थन मिलेगा, और आपका आशीर्वाद देवभूमि स्पोर्ट्स महाकुंभ फाउंडेशन को मिले, ऐसी हम आपसे हमेशा ही अपेक्षा ही रखेंगे। जिस हिसाब से जो है आपने अपने शब्द कहे, मैं उसमें जो है अभी क्लियर कर देता हूँ कि जो फिल्म शुरू होने से पहले जो हमारे जो प्रमोशन के लोग आते हैं, ब्रांडिंग के आते हैं और हमारे कंपनीज के आते हैं, तो उसमें जो है देवभूमि स्पोर्ट्स महाकुंभ फाउंडेशन का जो है लोगो स्क्रीन के अंदर यह फिल्म शुरू होने से पहले जरूर दिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी, हमारे लिए बहुत बड़े फख्र की बात है कि एक फिल्म बैनर के अंदर जो है हमारा देवभूमि स्पोर्ट्स महाकुंभ फाउंडेशन का लोगो आएगा। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि आज अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, और जब भी आपकी फिल्म रिलीज होगी तो देवभूमि स्पोर्ट्स महाकुंभ फाउंडेशन आपके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और ये थे महेश प्रकाश जी, और एक लाइव छोटा सा मैंने यहाँ से चलाया है, और हमारे साथ कई हमारे भाई जुड़े हुए हैं, और मैं चाहूँगा एक फोटो मेरी भी भाई साहब के साथ हो जाए। तो